Welcome to Wheeler. This is session number 19 of C. In the session number 19, we are going to discuss about inheritance, reusability, inheritance concept, single inheritance, private derivation, public derivation, protected de access, summary of the derivation, and table of derivation and access SPC fire. नाउ फर्स्टली डिस्कस अबाउट द इनहेटेंस एंड द कन्सेप्ट ऑफ द रीयूजिबिलिटी सी प्लस प्लस स्ट्रांगली सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द रीयूजिबिलिटी वॉट इज द रीयूजिबिलटी रीयूजिबिलिटी बेसिकली मैकेनिक विच यूज द कोड रिटर्न द कोड वन टाइम एंड यूज द कोड मेनी टाइम्स इन द इन द प्रोजेक्ट और प्रोग्राम ओके मीन्स कर सकते हैं कि एक बार आप कोई भी कोड लिखिए और उस कोड को आप बार 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 रिपीट कर यूज करिए विदाउट रीराइटिंग ऑफ द कोड दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली कॉल्ड द रीयूजिबिलिटी द सी प्लस प्लस क्लासेस कैन बी रीयूज इन सेवरल वे ओके मीन्स क्या कर सकते हैं कि हम री सी प्लस क्लास को किसी भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग द न्यू क्लास फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लास और ओल्ड क्लास ओके मीन्स इनहेरिटेंस इज द मैकेनिज फॉर ड्राइविंग ए न्यू क्लास मीन्स यू कैन क्रिएट द न्यू क्लास बाई यूजिंग द ओल्ड क्लास और एग्जिस्टिंग क्लास मीन्स द ऑल द फीचर्स ऑल द फैसिलिटी ऑफ द एग्जिटिंग क्लास विल बी इनहेरिटेड इन टू द न्यू क्लास और डराइव क्लास ओके नाउ द ओल्ड क्लास आर कॉल्ड द बेस्ट क्लास और द सुपर क्लास एंड द न्यू क्लास न्यू वन क्लास इज कॉल्ड द डराइव क्लास और सब क्लास मेस जो भी हमारे पास पहले क्लास थी जो पहले क्लास बनी हुई थी वो क्लास हमारी बेस्ट क्लास कहलाती और एज वेल एज वी एन क्रिएट द न्यू क्लास दैट कॉल इज दैट क्लास इज कॉल्ड द डराइव क्लास ओके द डराइव क्लास इनहेरिट सम और ऑल द ट्रेड्स फ्रॉम द बेस क्लास ओके मीन्स कहता है जो भी हमारे पास डिराइड क्लास है वो डिराइव क्लास बेस क्लास की ऑल फीचर्स और द सम फीचर विच आर कंस्टेंट ऑफ द एक्सेस स्पेसिफायर मीन्स एक्सेस स्पेसिफायर के विभाग पर जो भी फैसिलिटी उसको अवेलेबल होगी मीन्स डिराइड क्लास उस सारी फीचर्स को एक्सेस कर सकती जो हमारे बेस क्लास में एज ए पब्लिकली डिफाइंड होगा और एज ए प्रोटेक्टेड डिफाइंड होगा

ओके वी कैन से दैट द इहेरिटेंस इज द मैकेज फॉर ऑर्गनाइजिंग द इन्फॉर्मेशन इन द हरिकल मेथड हररिकल फॉर्म ओके मीन्स वन लेवल देन द वन लेवल इन्हेटेड फ्रॉम द सेकंड लेवल सेकंड लेवल इन द थर्ड लेवल थर्ड लेवल इन द फोर्थ मींस द कॉन्सेप्ट डेटा आर ऑर्गनाइज इन द डिफरेंट डिफरेंट लेवल इट इज लाइक अ चाइल्ड इनहेटेड द फ्यूचर ऑफ इट्स पेरेंट इट इज एबलिटी टू ड्राइव न्यू क्लास फ्राम एग्जिस्टिंग क्लास मीन्स जैसे साइड एग्जाम्पल की अगर आप कोई चाइल्ड है तो चाइल्ड ने पेरेंट्स की सारे फीचर्स को क्या करेगा इनहेटकेट मीन्स ऑल द प्रॉपर्टी इज एक्सेसिबल टू द चाइल्ड बट द पेरेंट सम फीचर्स विच इज प्राइवेट विद नॉट एक्सेसिबल टू द चाइल्ड एंड द वाइस वर्सा इज नॉट पॉसिबल मीन्स द पेरेंट कॉन्ट एक्सेस द फीचर्स द एक्सेस फंक्शनिंग ऑफ द चाइल्ड मीन्स क्या कर सकता है कि चाइल्ड कैन चाइल्ड मे बी एक्सेस और मे नॉट एक्सेस ऑल द फीचर ऑफ द पेरेंट बट पेरेंट कॉन्ट एक्सेस एनी फीचर टू द

हैव योर ओन फीचर्स मिस क्या कर सकते हैं हम डायरेक्ट क्लास में कुछ अपने फीचर्स को भी ऐड कर सकते हैं इसके साथ साथ हमारे पास जो बेस क्लास के फीचर्स बने थे जो फंक्शंस पहले से अवेलेबल थे उस फंक्शन को यूज करके क्या कर सकते हैं हम उसको ईजिली क्रिएट कर सकते हैं ओके नाउ दे आर द सम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इनहेरिटेंस फर्स्ट उन्हें द सिंगल इन्हेरिटेंस मल्टीपल इन्हेरिटेंस मल्टी लेवल इनहेरटेंस हेरेटिकल इनहरिटेंस एंड द हाइब्रिड इन्हेरटेंस दिज आर द सम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स फर्स्ट उन्हें द सिंगल इनहेरट्स A derived class can only one base class that's that's mechanism is called the single inheritance means there is the one base class and the one base class is derived to the another derived class. Okay, this is this mechanism is called the single inheritance or the single level inheritance now. If base class is access specifier, now we are discussing about the access specifier into the base class, which is accessible into the derived class. If the access specifier data member or the member function in the derived class is declared as the as a private in the base class, then what is availability into the derived class? Public derivation not inherited, private derivation, not inherited, protected derivation, not inherited means. अगर आपने बेस क्लास में जो भी मेंबर फंक्शन या डेटा मेंबर आपने बनाए हैं सारे डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन एज ए आपने प्राइवेट डिफाइन करिए तो आप क्लास को एज ए पब्लिक डिफाइन करी इनहेरिट करिए या फिर प्राइवेट इनहेरिट करिए या फिर प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड इनहेरिट करिए तो कोई भी फीचर्स उस डराइव क्लास में इनहेरिटेड नहीं होगा सेकेंड वन इफ यू डराइव द बेस क्लास मेथड एज ए प्रोटेक्टेड देन द पब्लिक डेरेवेशन प्रोटेक्टेड इज इनहेरिटेबल ओके इन द प्राइवेट डेरेवेशन प्राइवेट नॉट इनहेटेबल इन द प्रोटेटेड प्रोटेक्टेड इज इनहेरिटेबल मीन्स अगर आपने प्रोटेक्टेड किया तो पब्लिक और प्रोटेक्ट मैके मेथड्स एक्सेबल होंगे बट द प्राइवेट मेथड आर नॉट एक्सेसबल और इन्हीटेबल बट इन द केस ऑफ पब्लिक ओके इन द केस ऑफ पब्लिक पब्लिक डेरीवेशन पब्लिक मेथड इज इन्हेरीटेबल पब्लिक मैकेज इज इनहेटेबल बट इन द प्राइवेट डेरीवेशन प्राइवेट मैथड इज़ नॉट इनहेटेबल मीन्स आपने क्लास में मेथड पब्लिक बनाया पब्लिक बना लेकिन जब क्लास को रहे हैं तो आपने एज ए प्राइवेट इन्हेरिट किया है तो देन द प्राइवेट मेथड इन बेस क्लास आर नॉट इनहेटेबल इन टू दाइड क्लास एंड इन द केस ऑफ द प्रोटेक्टेड मेथड इज इन्हेटेबल बट इन द मैनर ऑफ द प्रोटेक्टेड मीन्स क्या करो जो प्रोटेक्टेड मैथड है वो प्रोटेक्टेड मैनर में ही क्या होगा हमारा इनहेटेबल होगा इनहेटेड होगा नाउ द टेबल ऑफ द कन्वर्जन डेरीवेशन इन दिवस इनहेटेंस इज कॉमनली कॉल्ड द क्लास डेरीवेशन इट इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग टू एक्सटेंशन ऑफ द सन्टेक्ट डेरीवेशन लिस्ट लिस्ट ऑफ द पेरेंटर क्लास एंड द प्रोटेक्टेड डेटा मेबर एंड द मेबर फंक्शन ओके मेस हम डेरीवेशन लिस्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं हम इसको इनहिट कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा कौन सा डेटा मेम्बर किस लेवल पर इनहिट होगा और किस लेवल तक उसकी एक्सेसिबिलिटी होगी जैसे हमारे पास थ्री टाइप्स के एक्से एक्सेस स्पेसिफायर हैं पब्लिक प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड now इन the derivation लिस्ट is the फॉलो the क्लास नेम कंसिस्ट ऑफ the कोलन साइन ओके फॉलोड बाय द कॉमर्स सेपरेटर लिस्ट आर द बेस क्लास मींस क्या करते हैं हम जो भी कोई क्लास डायरेक्ट क्रिएट करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे कॉलन साइन यूज करेंगे जिसके लिए हमारे पास क्या होगा बेस क्लास और डायरेक्ट क्लास को सेपरेट करेंगे द पब्लिक क्वालिफायर इज ऑन द ऑन द बेस क्लास इंडिकेट पब्लिक डेरीवेशन मीन्स क्या करेंगे हमारे पब्लिक डेरवेशन यूज़ करें पब्लिक क्लास यूज क्वालिफायर यूज हैं तो ये बताएगा कि हमारी जो क्लास इनहरेटर हो रही है ये क्लास हमारी एज ए पब्लिक एनरेट हो रही है दिस फार्म डेरिवेशन इज यूज मोस्ट फ्रिक्वेंटली मीन्स के अगर हम पब्लिक की जो भी क्लास हम इनरेट करते हैं तो दैट मोस्ट रिकमेंडेड यू दैट यू कैन एनरेट द ऑल क्लास एज ए पब्लिक ओके दिस द पब्लिक डेरिवेसन इम्प्लाइज दैट पब्लिक मेबर ऑफ द बेस्ट क्लास विल बी एनहरेटेड एज ए पब्लिक मेम्बर इंटू द ऑफ द डराइट क्लास

टे जो भी बेस्ट क्लास के वो प्रोटेक्टेड देश क्लास इज एक्सेबल एजर ऑफ द बेस क्लास नाउवेट में डिराइव क्लास आर प्राइवेट टू द बेस क्लास एंड देयर फॉर कैंट बी एक्सेस बाय द में फंक्शन ऑफ द डराइव क्लास ओके मींस जो भी हमारे पास क्लास में प्राइवेट मेंबर हैं प्राइवेट मेंबर कॉन्ट भी एक्सेस इंट द इन द नेचर ऑफ द प्राइवेट इन टू द डिराइड क्लास मीन्स क्या करेंगे वो हमारे प्राइवेट नेचर में ही हमारे डायरेक्ट क्लास में एक्सेसिबल होंगे ओके दे कॉन्ट एक्सेस द मैंबर फंक्शन ऑफ द डिराइड क्लास दे कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय मेंबर फंक्शन ऑफ द बेस क्लास मीन्स जो भी हमारे पास मेबर फंक्शन है मेबर फंक्शन हो क्या होंगे सिर्फ बेस क्लास के किसी भी मेम्बर फंक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं हम डायरेक्ट क्लास के मेंबर फंक्शन को बेस क्लास के मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं बट इन द फॉर्म ऑफ द डायराइव्ड क्लास वी कॉन्ट द मेबर फंक्शन ऑफ द बेस क्लास विच इज डिफाइंड एज ए प्राइवेट मीन्स जो भी आपने फंक्शन प्राइवेट डिफाइन किया उस पर्टिकुलर प्राइवेट फंक्शन को डायरेक्ट क्लास के किसी भी फंक्शन के थ्रू कॉल नहीं कर सकते इफ यू वॉन्ट टू कॉल द बेस क्लास प्राइवेट मेंबर देन यू नीड टू हेल्प यू वॉन्ट टू हेल्प द Base class method, which is defined as the public. Okay, just see the example. Here, class derived class name is the example colon sign public base class one. Okay, this declare that the base class one and public base class two. Okay, then the public public member goes protected protected member goes here, and the private here the private member is inherited from the base class one and the base class. This is the basic mechanism for the inheriting the one class into the another class. Now, this is the exercise for you. First one is the differentiate between private derivation and the public derivation, and second one is the write brief note on the protected access specific file. Okay. This is the basic concept of the inheritance, how we can declare the inheritance, how we can create the inheritance. Now we just go the practical implementation of the inheritance. ना हम क्या करते हैं एक क्लास क्रिएट करते हैं आईओ स्ट्रीम डॉट एच ना देन क्रिएट कॉनियो डॉट एच वे जस्ट डिफाइन द क्लास बेस वन ओके एंड वी डिक्लेयर जस्ट टू मेथड, पब्लिक इट वाइट सो एंड वी जस्ट राइट वेलकम इन बेस वन ओके मैंने क्या किया एक बेस क्लास क्रिएट किया और इस बेस क्लास के अंदर मैंने एक मेथड क्रिएट किया नाउ वी क्रिएट द सेकंड बेस टू और इस बेस टू के अंदर मैंने क्या किया एज ए पब्लिक पब्लिक वी क्रिएट जस्ट वाइड डिस्प्ले एंड हियर वि जस्ट राइट सी आउट वेलकम इन बेस टू ओके मैंने यहां पर क्या किया दो मैंने क्लास डिफाइन किया और इस क्लास को मैंने क्या किया नाउ इन द बेस टू जस्ट रिनेम द इट डिराइव्ड ओके एंड इन द वी जस्ट इनहेरिट द पब्लिक बेस वन ओके मेरी हमने क्या किया इन द डराइव क्लास मैंने क्या के पब्लिक क्लास को इनहेरिट किया इन एज अ फॉर्म ऑफ डराइव क्लास ओके एज ए पब्लिक ले मैंने क्या क्या इसको क्लोज किया एंड देन वाइड मेन डराइव डी नाउ डी डॉट सो डी डॉट डिस्प्ले वी जस्ट कॉल टू मेथड वन फ्रॉम द बेस क्लास एंड वन फ्रॉम दैट अराइव क्लास नाउ वी जस्ट कंपाइल द प्रोग्राम जस्ट ओके एंड जस्ट शो द आउटपुट नाउ वी जस्ट रन द प्रोग्राम ओके वट इज द आउटपुट वेलकम इन बेस वन एंड वेलकम इन बेस टू दिस इज द मेथड रिटर्न इन द डराइव ओके इन वी जस्ट चेंज इन दैथड एंड जस्ट ओके मैंने क्या कि यहाँ पर मैसेज लिखा कि वेलकम इन बेस वन एंड वेलकम इन द डराइव वन ओके इस मैकेनिज्म के थ्रू क्या कर सकते हैं कि वी कैन ईजिली इम्प्लीमेंट द यूज़ द कोड फ्रॉम वन क्लास इनटू द एंडर क्लास मैंने क्या किया कि बेस डराइव क्लास में मैंने बेस क्लास को कॉल किया और डराइव क्लास के मेथड के थ्रू क्या क्या मैंने ईजिली बेस क्लास के मेथड को कॉल कर लिया दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द इनहेरिटेंस ओके थैंक यू